ଆକାଶରେ ଗର୍ଜିବ ତେଜସ୍, ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହେବ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଆସୁଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ 83 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ। ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହାଲ୍ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚୁକ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ 83 ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତେଜସ୍ର 48,000 କୋଟି ଡିଲ୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ CCS ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ସହିତ ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଏହା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି। मौजूदा सरकार ने जो फैसला लिया है कि 83 तेजस का प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 43,000 करोड़ एवरेज औसतन ये ऑर्डर HAL को मिल रहा है। सरकार ने कहा कि इंडिजिनस जो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है तेजस से, उससे पार्शियल डेफिशिएंसी कवर करेंगे, उसको पूरी करेंगे। दूसरी बात तो ये तो हो गया क्वान्टिटी फैक्टर। क्वालिटी में भी तेजस का जो अभी मॉडिफिकेशन आया है वो बहुत ही अच्छा है, और बियॉन्ड विजुअल रेंज वगैरह भी जो कैपेबिलिटी दी जा रही है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने इस समय इस माहौल में जब पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है कोरोना के चक्कर में, और आर्थिक सेटबैक लगा है, आर्थिक अभी हम लोग पिकअप कर रहे हैं बट स्पीड तो स्लो है, इसके बावजूद इतना पैसा डिफेंस के लिए डालना ये बहुत सराहनीय है, ये प्रशंसनीय है। और एक और बिंदु कि HAL का प्रोडक्शन कैपेसिटी मोदी सरकार ने बढ़ाया है, पहले था 6 और 7, अभी ये 16-17 पे ले गए, ये बहुत सराहनीय है। स्वदेशी तेजस रा प्रस्तुति सहित भारत प्रतिरक्षा क्षेत्र रे अधिक सशक्त होई परि। एही चुक्ति संपर्क रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक विवृति दैछंती। से कहिछंती वायुसेना को मजबूत करबा पई एही निष्पत्ति निया जायछि। एही डील प्रतिरक्षा क्षेत्र रे बड परिवर्तनकारी प्रमाणित हेबो। तेजस विमान एयर टू एयर एवं एयर टू ग्राउंड रे क्षेपणास्त्र उत्क्षेपण करिपारिबो। एतिरे आंटीशिप क्षेपणास्त्र, बोमा एवं रॉकेट मध्य रही परिबो। एही 83 विमान मध्यरु 73 तेजस फाइटर जेट होइतिबा बेले आउ 10 ट्रेन रो विमान। एते संख्यक विमान निर्माण करिबा पई HAL बा हाल 500 बड ओ छोट कंपनी सह मिसी कार्य करूछि। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସିଙ୍ଗଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଜସ୍ ମାର୍କ 1କୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ HAL ବାୟୁସେନାକୁ ଦେବା ସହିତ ସେହିପରି ସମସ୍ତ 83 ଯାକ ବିମାନ 2024 2028 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗଦେବ ବୋଲି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। 83 ତେଜସ୍ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ 60% ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି। ହାଲ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ LCA MK-1A ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗାଇବ। ଏହା LCA ସିଷ୍ଟମକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବ ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।